Hey guys, Kitanshi, this is YMNV. Welcome back to my channel. It's day 5 in Dubai and we are here in Atlantis. Today, our plan is that first we are going to go to the Wave House, which is here, where we are going to play arcade section and games. After that, we are going to go to Aqua Venture, which is the water park in Atlantis. Yesterday, we took the full ride. Today, we are going to take the water ride. Water rides. क्या बात है, मेरे लिए तो मतलब कुछ ज्यादा ही एडवेंचरस है। दीदी के लिए ट्रिप तो मतलब उसे सोचा भी नहीं होगा, उसको लगा होगा चलो ट्रिप पे जा रहे हैं, बट एकदम से कितना कुछ एडवेंचर्स करने को मिल गया, ये सब कर रही है, विच इज द बेस्ट पार्ट। तो ये है इनका प्लान एंड उसके बाद एक और जगह जाना था व्यू, जहाँ से बहुत अच्छा व्यू आता है, उसके लिए हमने एक अलग आउटफिट उठाई हुई है। अभी के लिए हमने चिल आउटफिट डाली हुई है, बिल्कुल आर्केड के लिए तैयार होकर जाएंगे द व्यू पे फॉर द गुड व्यू। अरे आप पे लाइट बहुत अच्छी आ रही है। चलो अभी जाते हैं पहले आर्केड एंड फिर एक्वा वेंचर। श्वेत ले चुका ऑलरेडी, श्वेत को पता है यही है सबसे क्रेजी। आपको दिखाता हूँ 2 मिनट, यहाँ से निकलोगे बाहर ये ट्यूब से एंड दिस वन इज द बेस्ट राइड, बिल्कुल वो ऊपर अगर आपको दिख रही है क्रेजी, यहाँ से जाओगे एंड यहाँ से आओगे। तो ये लेते हैं सबसे पहले, लेट्स गो। ये वाली यहाँ की सबसे ज्यादा एडवेंचरस राइड है, तो उन्नति तो आई डोंट थिंक ये वाली लेने वाली है, पर आपके लिए है हमारे पास स्पेशल राइड्स जो आप ले सकते हो। 3-4 देख लिया मैंने आते आते रास्ते में ऐसी राइड्स जो उन्नति ये यूट्यूब वीडियो देख रही थी भाई आने से पहले, तो उससे सब देख लिया कि कौन कौन सी सही है, तो उन्नति को पता कौन सी लेनी है, बट ये वाली लेते पहले आप थोड़ा वीडियो ले दो हमारी। So guys, वो वाली राइड तो मैंने ले ली है, नाउ इट्स टाइम टू गो टेक उन्नति फॉर अ राइड, वी आर गोइंग जिसमें वो पूरी बड़ी वाली ट्यूब में 3-4 लोग बैठ के जाते हैं, तो दैट्स गोना बी फन, साथ में रहेंगे हम तो, बट अगर मैं तेरे को घेर दूं ट्यूब से शिट बॉम्बास्टिक साय राय साय। श्वेता में सब बता रहे हैं, आगे बस 2-3 बार आ चुका है, सब राइड्स ले चुका है, तो हमें गाइड कर रहा है कि कहाँ पे हमें जाना चाहिए कहाँ पे नहीं, ये सारी राइड्स हैं यहाँ पे। ओ ये तो क्यूट सी है यार बहुत, उन्नति बस ऊपर नीचे उन्नति को कन्विंस कर रहे हैं हम सारी राइड्स के लिए। सो गाइस उन्नति आ चुकी है अपनी पहली राइड लेने, लेट्स गो। अरे ये वाली राइड है, ऐसे ये जा रहे हैं हम भी ऐसे जाएंगे, ये तो क्यूट है यार, इट्स आवर टाइम नाउ, लेट्स गो।
गया गया ब्लू में गया डायरेक्ट से. सो गाइस बैक टू आवर होटल रूम आफ्टर अ वेरी 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 लॉन्ग डे. तो बहुत ही ज्यादा लंबा हो गया दिन गाइस. yes. हमने शुरू किया पहले आर्केड से. आर्केड में काफी सारी हमने गेम्स खेली, बॉलिंग किया, उसमें भी हमारा वर्कआउट हुआ. हाँ, उसमें भी वर्कआउट हो गया. उसके बाद हमने क्विकली चेंज किया, फिर बाद में गए हम एक्वा वेंचर के लिए. ओ माय गॉड, एक्वा वेंचर एक्सपीरियंस वाज अमेजिंग और एडवेंचरस, क्रेजी. पता नहीं क्या क्या हुआ जो दूसरे व्लॉग में उसकी बहुत अच्छी थी. आपको मेरी शक्ल दिखेगी दूसरे व्लॉग में तो बहुत क्रेजी क्लिप्स दिखेंगी आपको. ओह गॉड, आई कांट वेट. दैट वाज टू मच फन यार, टू मच फन. उन्नति ने सब राइड्स लिए सब वहाँ पे. सब मना कर रही थी पहले बट हमने करवा दी सारी इसको. उसमें भी इतना ज्यादा वर्कआउट हुआ ना, बिकॉज हर राइड के लिए आपको स्टेयर चढ़नी पड़ती थी. समझ लो 3-4 फ्लोर आपको चढ़ने पड़ते थे, फिर नीचे आके फिर दोबारा 3-4 फ्लोर. तो उसमें तो बहुत ही ज्यादा वर्कआउट हुआ, बहुत वर्कआउट हो गया उसमें. एंड पानी में वैसे भी थकान ज्यादा लग जाती है, थकान बहुत लग जाती है पानी में. इतने राइड्स तो मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किए थे कि मैं लूंगी. मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा है कि मैंने इतनी राइड्स ले ली है, वो भी वाटर राइड्स. वाटर राइड्स में आज तक गाइस मैं क्या ही बताऊँ आपको. मैंने टीनेज में एक वाटर राइड ली थी और उसके बाद मैंने सोचा था कि मैं कभी भी नहीं बैठूंगी. फोबिया हो गया था मेरे को पानी से. मैंने स्विमिंग करना भी छोड़ दिया था उससे. मैं उसके पहले स्विमिंग भी आती थी, उसके बाद मैंने वो भी छोड़ दिया. मैं बोली मेरे को करना ही नहीं, पानी में जाना ही नहीं मुझे. मेरे लेवल के हिसाब से नॉर्मली भी काफी एडवेंचरस थी. उन्नति के लेवल के हिसाब से पता नहीं कैसे ले ली. तो आपको क्लिप्स में देखी जाएंगी वो तो बहुत ही. उसमें बहुत ज्यादा वर्कआउट हो गया एंड बहुत ही ज्यादा फन था. इतनी ज्यादा भूख लगी थी हमें उसके बाद की सीधा हमने कुछ खाया, जो भी हमें टेक अवे के लिए मिला हमने फटाफट खाया. एंड देन उसके बाद गए हम द व्यू. वहाँ पे पाम जोमेरा में एक मॉल है जिसके ऊपर आप टॉप फ्लोर पे अगर जाओगे तो वहाँ से पूरा पाम जोमेरा का व्यू दिखता है. एक डेक जैसा बनाया है उन्होंने. हाँ. और वो डेक में आपको पूरा ऐसा इतना ब्यूटीफुल व्यू दिखता है. उसके लिए भी हम जैसे ही वहाँ पे पहुंचे हमने क्विकली हमारे क्लोथ चेंज किया. हमने बहुत रेडी हुए, देखा जाए तो हमने बहुत काम किया. हाँ, मैं वहाँ पे वॉशरूम में ही पूरा वापस मेकअप थोड़ा बहुत कर रही हूँ क्योंकि एक्वा वेंचर में तो पूरा तबाह हो गया था. फिर उधर ही एक्वा वेंचर में नहा के वापस डेक पे आके वहीं के वॉशरूम में चेंज करके पूरा रेडी वेडी होके फिर ऊपर गए. फिर कंटेंट वापस सारा दिन हमने शूट किया हर जगह. ये जो भी हम बता रहे हैं आपको फन के साथ साथ हमने शूट भी किया. तो ये पूरा दिन वैसा था. द व्यू के बाद गए हम वन ऑफ प्लेस जो हमें कब से विजिट करनी थी, सुशी सांबा. इट्स एन एशियन रेस्टोरेंट जो कि वन ऑफ द मोस्ट फेमस में आता है इन द वर्ल्ड. एंड उसकी हर जगह हर कंट्री में टॉप टॉप रेस्टोरेंट्स है. हमने ट्राई किया था, हम लंदन में जाने का ट्राई किया था, हमें बुकिंग नहीं मिली. हाँ. थी सेकंड वी ट्राइड एट आई थिंक और किसी कंट्री में हमने ट्राई. हाँ, किया था सुशी सांबा जाना, वहां पे भी नहीं हो पाया था, बुकिंग बहुत मुश्किल होती. बट फाइनली दुबई वाले सुशी सांबा वी वेंट एंड बहुत ही अच्छा डिनर किया हमने वहां पे. आई ट्राइड रॉ फिश फॉर द फर्स्ट टाइम. आई कांट बिलीव. हाउ वाज इट? इट सरप्राइजिंगली डिड नॉट टेस्ट रॉ, एडिबल है. ऐसा कभी कभी लगता है रॉ फिश कैसे खा रहे हैं. हाँ, वो तो खा ही नहीं सकते. इसका था अच्छा, सही इसको सही लगी. हाँ, मतलब मैं तो नहीं खा सकता कभी फिश. बट यस, दैट वाज आवर डिनर. उसके बाद हम चिल करने गए टॉप गोल्फ जो यहाँ पे दुबई में कितना फेमस है. वन ऑफ द फेवरेट प्लेसेस. बहुत मजा आता है मेरे को, बस घुमाते रहो स्टिक एंड गोल्फ घुमाते रहो. ये सारा कुछ आप देख ही चुके हो थोड़ा थोड़ा व्लॉग में, बट हमारा ऐसा था कि हम वापस आएंगे तो हम एक्सप्लेन करेंगे. वो इतना कुछ हमने किया, इतना थकान भी हुई, बट स्टिल ऐसा होता है ना कि वापस रूम में आके ऐसा फील होता है कि वाओ कितना कुछ आज कंटेंट निकाल लिया. बहुत ज्यादा बिलीव नहीं हो रहा कि आज का एक दिन था सब आपको बता रहा है पूरा. बट दैट वाज द डे. एंड कल अब से क्या है, ये पूरे दिन जितना भी हमने 4-5 डेज हमने स्पेंड किए वो दुबई टूरिज्म के साथ, हमने बहुत एक्टिविटीज की. बट अगले दो दिन हम फ्री हैं. अगले दो दिन हम करने वाले हैं शॉपिंग. ये 5 डेज टेक्निकली हमारा वर्क ट्रिप था. हम वर्क के लिए यहाँ पे आए थे. पूरा हमने 5 डेज कम्प्लीटली सिर्फ कंटेंट पे फोकस किया है. बट द बेस्ट पार्ट इज अगर आपका वर्क इज फन तो ऑटोमेटिकली अगर आप पसंद करो अपना वर्क करना, आपको मजा आ रहा है अपने वर्क करने में, तो वो फिर फन ही हो जाता. हमारा वर्क इसलिए हमें बहुत पसंद है. अलॉन्ग विद दैट इज आल्सो टायरिंग, आई मस्ट मेंशन दैट. मतलब वो कभी ओवरवेल्मिंग लग जाता है हर एक चीज, बट बहुत ही फन है ऑफ कोर्स. बट काम के टाइम पे वी आल्सो गेट वेरी फोकस्ड, इसलिए हमें आज भी टाइम नहीं मिला आपको कुछ भी अपडेट करने का अबाउट व्हाटएवर इज हैपनिंग. इसलिए हमने सोचा कि वापस आके आपको अच्छे से बताते हैं, बिकॉज उस टाइम पे हम बहुत ही कंटेंट पे फोकस्ड. कंटेंट में दूसरे
व्लॉग के लिए भी शूट करना था, मेरे को इस व्लॉग के लिए भी शूट करना था, हमें रील्स भी शूट करनी थी, हमें स्टोरीज भी शूट करनी थी, बहुत कुछ, सो इट वाज एवरीथिंग। यस, बट द नेक्स्ट टू डेज इज गोइंग टू बी सुपर चिल, वो वाला व्लॉग वहाँ पे खत्म हो चुका है, तो नेक्स्ट डे में ये व्लॉग ही रहेगा एंड हमारा बहुत चिलिंग सेशन रहेगा। कल से शुरू करते हैं हमारा चिलिंग सेशन, आज के लिए इतना ही, वापस आ चुके हैं, इट्स टाइम टू स्लीप नाउ बिकॉज बहुत थकान हो चुकी है। आई होप यू लाइक द वीडियो, इफ यू डू हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड सी यू गाइस टुमारो विद अनदर व्लॉग। बाय, शॉपिंग टाइम।